इसे मैं इग्निशन ऑन करूंगा। सभी लाइट हट गई अपनी, बट इंजन लाइट स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होगे गाइस। अभी तो बजे है कुछ सुबह के 11 एंड मैं जा रहा हूँ अभी ह्यूंडई के शोरूम में। ह्यूंडई के शोरूम में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा दुविधा आ चुकी है, काफ़ी बड़ी है अपने लिए तो, क्योंकि ये चेक करें गाइस, अपनी वर्ना में आ चुकी है इंजन चेक लाइट, जो कि नहीं आनी चाहिए थी, बट क्यों आ गई अभी मालूम नहीं। सडनली मैं कल सूरत जा रहा था एंड मैंने देखा डीजल भरवाने के बाद थोड़ी ही टाइम में कि इंजन चेक लाइट आ गई अपनी कार में, तो मैं भी शॉक हो गया। बट मैंने कॉल किया अपने फ्रेंड को, यूसुफ भाई को, वो हुंडई में ही है। उन्होंने बोला डीजल में कुछ वानी वानी हो गया होगा या फिर इंजन में कुछ लाइक वायरिंग में भी कुछ कपलर वपलर लूज हो गया होगा तो भी हो सकता है, या फिर वॉश करते वक्त कुछ पानी लग गया होगा, तो अभी वो चेक करवाते हैं, क्योंकि ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी यूजुअली नई कार में। बट मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों की वरना में ये प्रॉब्लम रहता है, अभी किसी का DEF का प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ और, तो ये लाइट का सिग्नल, ये नहीं कि कुछ चीज़ खराब हो, इतनी कार में लाइक कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो कुछ भी खराब हो तो ये लाइट तो आती रहती है, बट ये सिग्नल तो इंजन खराब हो गया है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मेरे को किसी ने बोला कि इंजन में प्रॉब्लम हो सकता है, अभी नई कार है यार ऐसा तो नहीं हो सकता, बट जाके चेक तो करवाते हैं क्या ही सीन बनता है इसका, क्योंकि ये जल्दी हटवाएंगे तभी अपना मन लगेगा कार में, क्योंकि कल से मैं परेशान हो रहा हूँ इसी चीज़ के कारण कि लाइक कुछ बड़ा तो नहीं हो गया होगा कार में, बट अभी पहुँचने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या सीन है। और गाइस एवरेज भी नहीं, माइलेज दिखा रही है बट रेंज इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है, मालूम नहीं क्या हो रहा है, ये भी सीन वो भी चेक करवाना है। तो मैंने सोचा यथावत सब कुछ ही चेक करवा के आएंगे हम लोग ह्यूंडई में। एंड देखिए गाइस, बारिश ताबड़तोड़, पीछे 100-200 मीटर पीछे बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, और अभी यहाँ पे सडनली इतनी फास्ट बारिश स्टार्ट हो गई, ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या करें अभी ये चेक करवाते हैं। एंड जो भी सॉल्व होगा कार का अभी वो तो वहाँ जाके, क्योंकि वो लोग सब कुछ स्कैन स्कून करके ही देखेंगे लाइक लैपटॉप से, जो हम तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट हाँ अभी होप्स हो कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम ना हो कार में, अदरवाइज अपना फट के हाथ में आ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि खर्चा वर्चा तो नहीं होना चाहिए। वैसे तो अपनी कार का अभी 1 साल से ज़्यादा ही हुआ है, थोड़ा बहुत तो वारंटी में होगी, बट होप से कि कुछ ना हो, लाइक स्कैनिंग से निकल जाए ये सब कुछ, लाइक नॉर्मल एरर ही होगा तो अच्छा है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में अपन प्लान भी कर रहे हैं एक रोड ट्रिप, क्योंकि देखिएगा इस मॉनसून स्टार्ट हो चुकी है ना, आपका भाई ट्रिप ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता, बट इस बार तो डेफिनेटली कुछ लंबी ट्रिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। होप सो उबेद भाई रेडी हो जाए तो, अगस्त में हम लोग किधर तो जाने का प्लान कर रहे हैं, बट अभी देखते हैं क्या ही सीन बनता है अगस्त में। बट बारिश चेक करेगा इस, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, 2 दिन से इतना मस्त वेदर था बारिश नहीं हो रही थी, बट आज मैं निकलूँ घर से और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट कोई नहीं अभी चलते हैं अपन ह्यूंडई में पहले एंड अपना काम कंप्लीट करते हैं। ये इसका क्या एरर है वो मैं पहले चेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी, लाइक मैंने यूट्यूब पे सर्च करा तो काफ़ी लोगों का यही क्वेरीज थी कि काफ़ी लोगों की कार में ऐसे आ जाता है, ऐसे ही नहीं कि ह्यूंडई की कार में, बट XUV700 ये सब नई नई जो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं अभी कार में, तो इसके कारण ये सब कुछ होता रहता है नॉर्मली एरर, बट अभी जाके तो देखते हैं क्या ही सीन बनता है इसका। और गाइस मानसून स्टार्ट हो चुका है, मैंने अभी अपना वाइपर ब्लेड भी नहीं चेंज करवाया, तो मेरे को ये भी चेंज करवाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। वैसे तो अच्छा है, क्लीन कर रहा है वाटर, बट कभी कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कि कुछ हैवी ब्लेड वाला हम लोग इंस्टॉल करवा लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो ये भी चल जाता है, बट आफ्टर समर ना इसको चेंज करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर होती है रबर वाली वो पूरी मेल्ट हो जाती है जो लाइक गर्मी में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी कर सकता है, अदरवाइज अपनी विंडशील्ड भी ख़राब कर सकता है, तो 300-400 रुपए की चीज़ के कारण अपन अपनी विंडशील्ड तो ख़राब नहीं कर सकते हैं, विजिबिलिटी भी, तो इसको भी हम लोग चेंज करवाएंगे, बट वो साला नवसारी में अवेलेबल ही नहीं रहता है जो मेरे को चाहिए, बड़ी ग्रिप वाला आता है, तो इसके लिए अपने को सूरत जाना पड़ेगा। कल भी मैं गया था बट भूल गया था काम में ही, इतना उलझा हुआ था। एंड गाइस हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो गाइस व्लॉग इस कारण नहीं आ रहा है क्योंकि अपनी तबीयत 15-20 दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब है, लाइक क्या ही बताओ, कोल्ड हो चुका है और ये सब कुछ, इतना ज़्यादा लाइक फीवर था कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा रेस्ट ही ले लेते हैं, अभी भी अच्छी तो है नहीं, बट ये एरर आ गई, इसके कारण मैंने सोचा अपनी ऑडियंस को भी कुछ हेल्प हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये कैसे आती है क्यों आती है, तो वहाँ जाके चेक करते हैं आप लोगों को मालूम पड़ेगा। अदरवाइज तो डीजल में पानी आ गया होगा ना, तो मैंने यहाँ से ही डीजल लिया था, वो लोगों को छोड़ूंगा नहीं साले को, क्योंकि डीजल में वैसे पानी तो आते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मेरे को बोला कि डीजल में पानी होने के कारण भी हो सकती है ये लाइट, अभी इसी कारण मैं डीजल भी नहीं भरवा रहा हूँ आज, तो अभी कंपनी में पहले पूछते हैं क्या सीन है, अदरवाइज सॉल्यूशन के बिना तो मैं आऊँगा नहीं वहाँ से।
ह्यूंडई में एक अच्छी सर्विस है मेरे को लगती है कि जल्द से जल्द अपने को करके दे देते हैं क्योंकि अपने ही भाई है सब। बट ये सारी बारिश रुक जाए तो अच्छा है, अदरवाइज तो अपना पूरा काम बिगाड़ के रख देगा बारिश, क्योंकि वहाँ पे वेट करना पड़ेगा और बारिश में तो नहीं हो सकता भाई, अपने से नहीं हो सकता ये। बट कार ड्राइव करनी रहती है बारिश में तो हम लोग कर सकते हैं, कितने ही किलोमीटर हजारों किलोमीटर चलवा लो, बट किधर रुकना है बाहर बाहर उतरना है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट क्या करें, अब यहाँ से पहुँचने में अपने को लगेगा डेफिनेटली 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से है कुछ अराउंड 10-12 किलोमीटर। तो चलते हैं वहाँ पे, पहुँचते हैं जल्द से जल्द ह्यूंडई में, अदरवाइज तो लेट हो गया तो वहाँ भी अपना नंबर नहीं लगेगा यार। और लाइट का कारण एक तो नहीं हो सकता गाइस, वो बात सही है, बट कार को चलने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मेरे को लगता है कि कपलर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आ रही होगी क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा समझ लेना आप लोग भी। बट हाँ गाइस, ये भी एक कारण हो सकता है कि कपलर ही कोई ढीला हो गया होगा, क्योंकि प्रेशर वॉश करते हैं हम लोग कार तो इंजन में भी पानी मारते हैं, तो इसके कारण भी हो सकता है। बट मैंने वॉश करे हुए कुछ एक हफ्ता हो चुका है, उस टाइम पे तो लाइट आई नहीं थी, तो अभी तो नहीं आनी चाहिए, या फिर चूहे वूहे ने काट लिया होगा। बट चूहे ने काटा नहीं होना चाहिए कोई भी वायर, अदरवाइज तो वो भी पंगा दे सकता है काफ़ी बड़ा खर्चा वाला, क्योंकि वायरिंग शायद से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वायरिंग शायद से वारंटी पे नहीं देते वो लोग, अदरवाइज जो चूहा ने कट कर दिया होगा वो तो। बट वो भी अभी वहाँ जाके मालूम पड़ेगा क्या ही सीन है। एंड गाइस, हाँ, रोड ट्रिप का प्लान तो अपना डेफिनेटली है, कहाँ का है वो आप लोगों को बाद में मालूम पड़ेगा, कि हम लोग डेफिनेटली गुजरात साइड तो नहीं ट्रैवल करेंगे, महाराष्ट्र के ऊपर जाएंगे, तो आप लोग गैस करो कहाँ जाने वाले हैं। अदरवाइज आप लोगों ने अच्छे से गैस किया लाइक सही कि महाराष्ट्र के ऊपर कौन से डेस्टिनेशन है जो कि काफ़ी लोग कवर नहीं करते हैं, लाइक स्पेशली मॉनसून में लोग हिल स्टेशन तो चले जाते हैं, बट वो वहाँ पे एक अच्छी एक नेचुरल ब्यूटी भी है, तो वो भी हम लोग आज अभी कवर करने वाले हैं इस नेक्स्ट मंथ में, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट होप्सो कि अगस्त के मंथ में बारिश थोड़ी सी कम होनी चाहिए, वो तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज तो क्या ही मज़ा आएगा। और गाइज, अपन रोड ट्रिप करेंगे तो डेफिनेटली वरना से या फिर हैरियर से करेंगे, हैरियर नहीं होगी तो i20 से। तो अभी 3 कार है अपने पास ऑप्शन में, अभी देखेंगे कौन सी कार लेके जाएंगे। मेरा तो मन है वरना लेके जाने का, बट पता नहीं अभी टाइम पे क्या ही अपना मूड चेंज हो जाए तो हैरियर भी लेके निकल जाएगा। बट हैरियर काफ़ी महंगी पड़ेगी क्योंकि माइलेज का इश्यू आ जाएगा इसमें, बट कोई नहीं चल लेगी इतना तो। बट अभी यहाँ से अपने को लगेगा 6-7 मिनट मैक्सिमम तो पहुँचते हैं पहले ह्यूंडई, मैंने कॉल भी नहीं कर रखा है वो लोगों को, तो आज देखते हैं कि कॉल बिना कॉल किए भी अपने को सर्विस अच्छी मिलती है नहीं ह्यूंडई में या नहीं। और वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, वो ही काफ़ी बड़ी दिक्कत है, बट कोई नहीं, हम लोग तो छुप के कर लेंगे थोड़ी बहुत तो। और गाइस, वेदर देखिए आज का, लाइक बारिश भी है एंड फॉग भी है, हाईवे पे अभी पता लग रहा है कि फॉग वाला भी वेदर है बारिश के साथ, कुछ अजीब सा ही वेदर हो रहा है, लाइक हिल स्टेशन वाला। अपने यहाँ पे भी ऐसी फील अभी आने लग गई है हिल स्टेशन वाली, बट अभी आज ऐसे मौसम का मजा लेते हैं और क्या। बट अभी पहुँचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट हम लोग ह्यूंडई के शोरूम पे, क्योंकि आगे ही है राइट साइड पे, तो रॉन्ग साइड ही जा रहा हूँ मैं अभी तो, और ब्लॉक करना भी काफ़ी रिस्की है ये रॉन्ग साइड से, तो कोई भी आगे ठोक देगा टेम्पू वाला, तो मैं नहीं चाहता कि ठोकूँ, तो पहले आप लोगों को मिलता हूँ अभी डायरेक्ट ह्यूंडई के शोरूम में ही। होप्स हो कि वो लोग करके दे दे यार, मेरा दोपहर के बाद काफ़ी ज़्यादा और भी काम है। सो अभी ह्यूंडई में तो आ चुके हैं, अभी पार्किंग में रुका हुआ हूँ सर्विस सेंटर वाला, तो अभी मैंने अपने भाई उमंग को तो कॉल कर दिया है, तो वो आता ही है, कुछ 10-20 मिनट लगेगी, तो अभी चेक करवाते हैं अपना ये। देखिए गाइस, अभी कार तो अपनी ऑन नहीं है, तो सभी लाइट आ रही है, जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा सभी लाइट हट गई अपनी, बट इंजन लाइट स्टार्ट है। अभी अपनी ये लाइट है वो तो अभी अपनी हैंड ब्रेक वाली है, नॉर्मल है, बट ये इंजन लाइट स्टार्ट ही रहती है। देखिए गाइस, इसका कुछ ना कुछ तो हल आज निकालना ही पड़ेगा। सो गाइस, अभी 12:45 तो हो चुके हैं, अभी यहाँ पे एक्चुअली स्कैनर है नहीं, स्कैनर की इधर तो गया है ट्रायल पे ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो लोग, तो अभी अपने को यहाँ से आधा घंटा तो वेट ही करना पड़ेगा, तो आधा घंटा वेट करते हैं कार में ही बैठे एंड चिल करते हैं, और तो क्या, और कुछ काम है वो निपटाते हैं, और कार में कुछ अभी आप लोगों के देखने के लिए कुछ है नहीं अपनी कार में, तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डोलो कार में जब भी ट्रैवल करो तो आप लोग ये तो जरूर रखना चाहिए आप लोगों को, लाइक पैरासीटामोल डोलो कुछ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंपनी वाले ने जो भी मेरे को दिए थे ना फ्री में कार के साथ, ये प्लास्टिक वाले मैट इतने घटिया क्वालिटी के हैं, लाइक हार्ड, बट हाँ मानसून में काफ़ी काम आ जाते हैं, क्योंकि मानसून में 70 मैट इतने गंदे हो जाते हैं ना, देखिए अंदर कितना कचरा पड़ा हुआ है, तो ये जेल लेगा सब, लेकिन
अपना 70 मैट ही होगा इधर, तो ये पूरा अंदर जाएगा और ये सब कुछ खराब कर देगा 70 मैट को। मॉनसून में काफी ज्यादा खराब करते हैं 70 मैट, तो ये मैंने लगा दिया अभी। तो अभी क्या होता है कि इसको निकाल के सिर्फ झाड़ देने का काम हो गया अपना एकदम क्लीन। सो गाइस कुछ भी नहीं हुआ अपनी कार में, एक्चुअली कुछ लाइट आ गई थी बट वो लोगों ने स्कैन करके कार को रेस करी और ये सब कुछ किया तो साला अपने आप ही निकल गया। तो अभी चलते हैं अपन घर की तरफ, बट कुछ था नहीं एज सच मेजर इश्यू, तो अच्छा हुआ। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम और लगेगा तो कार को रखना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ बोला है अगर आ गई लाइट इफ तो। तो अभी डीजल में तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं बट कुछ और ही इश्यू था, बट हाँ उस पेट्रोल पंप से तो मैं अभी डीजल नहीं लूँगा। तो अभी चलते हैं अपन यहाँ से घर की तरफ। तो कुछ था नहीं, लाइक वो लोगों ने जैसे ही स्कैनिंग पे डाला कुछ आ गया था इश्यू, वो मैंने पूछा तो मैं भी भूल गया क्या बोला वो लोगों ने। बट हाँ अभी ट्रिप पे भी हम लोग जा सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आए तो रास्ते से करवा लेंगे। और तो क्या, हुंडई के काफ़ी ज़्यादा शोरूम है, इसी कारण मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी कार लो ऐसी लो रिसर्च करके कि उसका सर्विस सेंटर आप लोगों को हर एक सिटी में अवेलेबल हो, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि आप लोग जब भी जाओ कुछ नई MG की कार ले ली होती अदरवाइज तो, और मैं किधर निकल गया लाइक गोवा साइड, तो कोई दिक्कत आ जाती। बट ये हुंडई मारुति और ये सब शोरूम ना अपने को किधर भी मिल जाते हैं लाइक सर्विस सेंटर वो लोगों का, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी चलते हैं अपन यहाँ से घर की तरफ। था नहीं कुछ वीडियो में, मैंने सोचा कि आज ऐसे ही नॉर्मली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि ये लाइट कैसे वो लोगों ने हटाई। तो मैं वहाँ पे शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि शूट करता अदरवाइज वहाँ पे तो वही वहाँ पे अलाउड नहीं था। और कुछ किया नहीं, 2 मिनट लगा वो लोगों ने यहाँ से स्कैनर इंस्टॉल किया और अपने आईपैड में चेक कर लिया और कार को कुछ RPM तक लेके गए और हट ही गई अपने आप ही। अभी क्या ही मेजर इश्यू तो हो नहीं सकता, बट हाँ अभी ऐसा कुछ भी दिक्कत हो, मैंने इसलिए आज का वीडियो बनाया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना गाइस, अभी क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बट मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि ऐसी छोटी मोटी भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगे ना कार में, इमीडिएटली पहुँच जाओ सर्विस सेंटर, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले अपने को काफ़ी अच्छे तरह से ट्रीट तो करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू उमंग एंड पार्थ भाई, अपना Hyundai में इतना अच्छा ख्याल रखते हैं अपना, लाइक मैं जब भी जाऊँ वहाँ पे अपने को 2 मिनट में सब कुछ ही निपटा के दे देते, सॉल्व करके ही दे देते। जब भी आप लोग भी Hyundai यहाँ नवजीवन में जाओ तो पार्थ को मिलना एंड अपने उमंग भाई को मिलना और अपना नाम ले लेना, तभी आपको सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि अपने भाई ही है सभी। तो मेरा भी काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है Hyundai में जब भी आऊँ। मैंने आज तक 1 घंटे से ऊपर वेट नहीं किया है, तो काफ़ी थम्स अप फॉर नवजीवन Hyundai नवसारी गाइस। और गाइस मैंने आज का मकसद यही था मेरा वीडियो बनाने के, Hyundai वालों की सर्विस तो अच्छी है ही अपने यहाँ पे, अदरवाइज अदर सिटी में मालूम नहीं बट अपने यहाँ पे तो अच्छी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस वीडियो के थ्रू कि लाइक जब भी आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम लगे अपनी कार में, लाइट आ जाए इंजन लाइट आ जाए, इमीडिएटली पहुँच जाना चाहिए आप लोगों को सर्विस सेंटर में, क्योंकि जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो वो लोग सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज वो आप लोग नहीं जाएंगे पड़ी रहेगी कार या चलाते ही रहोगे तो कुछ बड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है और आपको बड़ा फटका भी लग सकता है। तो इसके कारण मैंने सोचा क्यों ना अभी आप लोगों को ये भी बता दूंगी, चले जाओ आपकी लाइट बाइट का प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करके ही वो लोग दे देंगे वैसे भी। इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। एंड गाइस इन द एंड आप लोगों को एक ही टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग भी एक डीजल भरवाने जाओ तो एक अच्छे पेट्रोल पंप पे जाना, और कुछ फेमस पेट्रोल पंप होता है हर एक सिटी में आप लोगों को मालूम है, वो लोग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा भरवाते होते तो वहाँ से ही भरवाना ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि डीजल पंप में भी अभी लाइट आ गई होती तो डीजल में साइड पानी आ गया होगा तो इसके कारण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था तो मेजर इश्यू हो सकता था। तो ये सब कुछ आप लोगों को छोटी मोटी केयर करनी पड़ेगी आपकी कार की, तभी आप लोग ये इश्यू से बच पाओगे। क्योंकि कार में अभी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर है ना गाइस, सब कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को इमीडिएटली डिस्प्ले में बता देता है। तो एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है, जितनी ज़्यादा फीचर्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को मालूम ही है। तो चलते हैं अपन घर की तरफ, इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। वीडियो में कुछ नहीं था, सॉरी फॉर दैट गाइस, बट हाँ अभी तबीयत भी आपके भाई की इतनी वीक है तो क्या ही कर सकता है, बट इन फ्यूचर काफ़ी क्रेजी व्लॉग भी आने वाला है तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हाँ मिलते हैं कुछ अच्छी नई रोड ट्रिप भी अभी तो पे, तो रोड ट्रिप पे डायरेक्ट तो नहीं मिलूंगा अभी तो, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स भी आएंगे क्योंकि रोड ट्रिप नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।